हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस पामिस्ट्री वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें से हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो एज यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स की लेंथ से, थिकनेस, और उसके बाद बनावट कैसी है फिंगर्स की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं इनकी, और अगर तर्जनी को देखा जाए तो तर्जनी की जो लंबाई है वह बिल्कुल लगभग इक्वल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल इक्वल है पोलो फिंगर की जैसी ही, और काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना इनके अंदर रहेगा। थिकनेस काफ़ी है फिंगर्स की, काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहेगी इनकी। और जो मर्करी फिंगर है यह थोड़ी साइज़ में छोटी ज़रूर है, जिसके कारण थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इनको शाइनेस रह सकती है, अदरवाइज़ एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी ज़्यादा रहेगा इनके अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इनके माउंट्स को चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ इनकी फिंगर्स इन्हें दे रही हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो माउंट्स हैं इनके काफ़ी हाई सेट हैं, और अगर एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ लाइन, कुछ इस तरह से इनके माउंट्स जो हैं कुछ ऐसी शेप बन रही है माउंट्स की, कोई ना ही ज़्यादा लो सेट है कोई भी माउंट, तकरीबन सारे ही माउंट अच्छे हैं। अगर मर्करी की देखा जाए तो मर्करी भी बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं है, बेशक फिंगर जो है मर्करी की वह थोड़ी सी छोटी है। मर्करी के ऊपर बनने वाली कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लगभग तीन रेखाएं यहाँ नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी रहेंगी इसके कारण, और थोड़ी शाइनेस हो सकती है क्योंकि फिंगर छोटी है, लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पर इन खड़ी रेखाओं के कारण काफ़ी अच्छी होने वाली है। और अगर बात की जाए एक मर्करी की लाइन भी इस तरफ की और हेडिंग कर रही है, यहाँ से कुछ हल्की पतली लाइन एक दिखाई दे रही है जो इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देने वाली है मर्करी की तरफ से, यानी बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इसकी वजह से। और आगे बढ़कर देखते हैं इनके बाकी के माउंट्स को, अगर ध्यान से देखा जाए तो बाकी के माउंट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो सन माउंट है ये कुछ हल्का सा दबा हुआ है, तो सूर्य के इनको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, इनसे इनका सूर्य काफ़ी अच्छा इनको रिजल्ट दे सकता है। और अगर बात की जाए इनकी हार्ट की लाइन की, तो हार्ट की लाइन काफ़ी ऊपर तक जा रही है, और एक ब्रांच जो है इस लाइन से निकलकर लगभग बृहस्पति पर पहुंच रही है। तो काफ़ी मिक्स टाइप पर्सनैलिटी रहेगी इनकी, इमोशनल भी हैं थोड़े से और प्रैक्टिकल भी हैं, दोनों का मिक्सचर इनके अंदर रहेगा इस वजह से। तो अगर बाकी के माउंट्स की बात की जाए तो सैटर्न सही पोजिशन में है, बृहस्पति भी काफ़ी अच्छा है, बृहस्पति में भी मुझे कोई भी ऐसी बैड मार्किंग नज़र नहीं आ रही। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस को, लाइंस हमें क्या बताती हैं इनके बारे में। तो थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो इनकी लाइंस हैं काफ़ी डीप लाइन है, दोनों ही लाइंस जहाँ मिलकर चलती हैं काफ़ी डीप है मस्तिष्क की रेखा, और काफ़ी स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं कर रही, तो काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी इनका ब्रिलियंट माइंड रहेगा, और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इसकी वजह से। यह अगर जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ाई चाहे ना भी करें, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति इनकी। तो आगे बढ़ते हुए बाकी की इनकी लाइंस को चेक करते हैं और देखते हैं और लाइंस हमें क्या क्या बता रही हैं, और माउंट्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है इनकी लाइफ लाइन जो काफ़ी बड़ा सर्कल दे रही है वीनस को, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कुछ इस तरह का इनका एक बन रहा है, और लाइफ की लाइन आगे चलकर अंदर की तरफ से मुड़ रही है। तो वीनस को काफ़ी बड़ा एरिया मिल रहा है इनके हाथ में, तो वीनस काफ़ी प्रभावशाली रहेगा इनकी लाइफ में। अब जितना ज़्यादा एरिया किसी भी प्लैनेट को मिलता है हाथ में, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव वो प्लैनेट होता है। तो वीनस काफ़ी शुभ फल देने वाला है इनको, यानी कि वीनस की तरफ से जो हमें मिलता है लग्जरीज और काफ़ी अट्रैक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जिनका वीनस काफ़ी स्ट्रांग होता है, उनकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, उनकी आइज़ बहुत सुंदर होती हैं। तो वीनस काफ़ी स्ट्रांग है इनके हाथ में, कोई ज़्यादा वरी लाइन्स इनके हाथ में यहाँ पर नहीं चल रही, वीनस की तरफ से कोई लाइन भी आकर लाइफ लाइन को नहीं काट रही, तो काफ़ी स्ट्रांग मानू इनके इस प्लैनेट को, जो इनको काफ़ी शुभ फल देगा लाइफ में, और लग्जरीज काफ़ी इनको मिलेंगी। और अगर बाकी के माउंट्स को देखा जाए तो चंद्र की तरफ से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ में कुछ कर्व बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ तक का जो एरिया होता है यह मंगल का एरिया है,
तो मंगल का एरिया कुछ ठीक है, लेकिन मंगल के बाद थोड़ा सा जो मून का क्षेत्र है वह थोड़ा दबा हुआ है। तो मून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स इनको रह सकती हैं, कुछ इमोशनल रह सकते हैं, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन कष्टकारी यात्राएं हो सकती हैं वो। तो मून की रेमेडीज़ करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मून और सन की रेमेडीज़ इनके लिए काफ़ी प्रभावशाली रहेंगी। तो आगे देखते हैं और क्या क्या इनके हाथ में हमें नया दिखाई देता है। विनस काफ़ी स्ट्रांग है इनके हाथ में, और लग्जरीज का इनको शौक रहेगा, परफ्यूम्स इनको काफ़ी अच्छे लगेंगे, और कलरफुल कपड़े इनकी चॉइस रहेगी। कुछ इस तरह का वीनस जो है फल देता है हमें। और अगर हम बात करें इनके लाइफ लाइन को थोड़ा और क्लोजअप लेकर देखते हैं, यहाँ पर लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रांग चल रही है, और एक या दो ऑफ शूट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और एक ऑफ शूट निकल कर जो बाहर की तरफ आ रहा है, यह इनको घूमने फिरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देगा। यहाँ पर आपको ऑफ शूट में ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। एक ऑफ शूट इनका लगभग इस एज में बन रहा है जो कि अप्रॉक्सीमेट 30+ की एज बन रही है। तो इस एज में चांसेस हैं इनके प्रोग्रेस इनको मिलने के 30+ की, 30 के आसपास की एज। और उसके बाद एक ऑफ शूट जो केतु की तरफ चल रहा है यहाँ से, यह इनको सेटलमेंट करवा सकता है फॉरेन की, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन जो है वह इनकी लाइफ लाइन है। इस ऑफ शूट्स के मुकाबले अगर हम ध्यान से चेक करें तो यह लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि घर से दूर जा सकते हैं बिजनेस के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, लेकिन जो फाइनल सेटलमेंट होगी वो घर में ही रहेगी, इनका फैमिली के साथ अटैचमेंट बनी रहेगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में जो चेंजेस हैं यहाँ पे। यहाँ से अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन इनके हाथ में बन रही है। मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से ओवरलैपिंग मुझे 30 के आसपास की एज में शो हो रही है। तो यह ओवरलैपिंग शो कर रही है कि बिजनेस या किसी न किसी चीज़ में चेंज करेंगे। अगर ये जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो चेंज करेंगे, उसमें अपने प्रोफेशन को चेंज करेंगे। लगभग यही 30 के आसपास की एज में जो हमें ऑफ शूट दिखाई दे रहा था, इस एज में चलकर यह कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। 30 की एज के आसपास चेंज दिखाई दे रहा है, ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, और उसके बाद की जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। लगभग 58 की एज तक पहुंच रही है, यानी कि 58 तक यह कि दूसरा प्रोफेशन चूज़ करेंगे और काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी इस एज के बाद इनकी। और एक इनके हाथ में मुझे एक फिश का सिंबल दिखाई दे रहा है, लगभग मरकरी के नीचे यहाँ पर काफ़ी क्लियर मुझे कुछ फिश का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो यह शो कर रहा है कि बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जिसका जो मुख है इस फिश का, वह मरकरी की तरफ है, और मरकरी पर तीन खड़ी लाइनें होना काफ़ी शुभ चिन्ह है, जिसके कारण अगर यह बिजनेस को ऑप्ट करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ होने के चांसेस रहेंगे। और एक बहुत ही अच्छा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है, कुछ इस तरह से आपको दिखाता हूँ। यार यह जो इनकी मरकरी की लाइन है और यह मस्तिष्क की रेखा है, इन तीनों को मिलाकर जो एक ट्रायंगल बनता है हाथ में, चाहे वो पतली लाइनों से ही क्यों ना हो, काफ़ी अच्छा फल देने वाला होता है। इनके हाथ में यह भी बन रहा है, साथ में एक और पॉजिटिव चिन्ह है फिश का, और कुछ खड़ी रेखाएं मरकरी के ऊपर जो इनको एक परफेक्ट बिजनेस मैन बना सकती हैं। तो अगर यह कोई अच्छा बिजनेस चूज़ करते हैं और बिजनेस लाइन में जाते हैं तो बहुत ही शुभ फल इनको मिलने वाला है। फिश के अलावा इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छा यव का चिन्ह है, जो इनके अंगूठे के ऊपर बन रहा है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कुछ बहुत ही शुभ चिन्ह इसको माना जाता है, बुद्धास आई कहा जाता है पामिस्ट्री में इसको। इसके होने से काफ़ी धन लाभ होने की के बारे में बताया गया है। सारी हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें इसके बारे में काफ़ी जिक्र आया है, और यह चिन्ह होना काफ़ी शुभ साइन है हाथ में। तो इनके हाथ में डबल लक के साइंस हैं, जैसे कि यहाँ पर एक फिश का साइन देखने को मिला और दूसरा यव का चिन्ह है, और काफ़ी अच्छी जो लाइन है इनकी, लक की लाइन ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह है इनके हथेली में यहाँ पे, और अगर यह कोशिश करे तो 8 की लाइन में भी आगे निकल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इनको सूर्य देव की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का जो माउंट है वो थोड़ा सा डेबिलिटेटेड है यहाँ पर। तो अगर सूर्य और चंद्र की दोनों की उपासना ये करते हैं तो इनके लिए काफ़ी शुभ फल मिल सकता है उससे।
तो लगभग सारे चिन्ह जो इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा वीनस का माउंट, यव का चिन्ह और फिश का चिन्ह इनके हाथ में हमें देखने को मिला। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।